हेलो दोस्तों, कैनन फोटोकॉपी मशीन में प्रिंट आउट निकालना तो एकदम आसान है, लेकिन स्कैनिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसमें सिंगल सिंगल पेज करना पड़ता है या फिर हमें प्रिंटर में करना पड़ता है एक एक स्कैनिंग। तो इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैनन के बड़े मशीनों में भी आप स्कैनिंग कर सकते हैं, वो भी एक साथ 100-200 पेज की भी। इसलिए मैं आपको आज पूरा वीडियो बताऊँगा। चलो शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा सेटिंग समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले हमें 30 पीसी में जाना है, जो कि माय पीसी माय कंप्यूटर जो रहता है उसमें जाना है। उसमें आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाके यूजर करके फोल्डर है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको पब्लिक में जाना है। पब्लिक में जाने के बाद एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है। आप उसका जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउन को क्रिएट करके रखा है तो दिखा देता हूँ। अभी उसको डिलीट करके दूसरी बार क्रिएट करता हूँ। न्यू फोल्डर कर दिया और उसका नाम मैं स्कैन रख देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। ये हमने फोल्डर बना दिया। अभी उसकी प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ऊपर की साइड ऑप्शन आएंगे, उसमें हमें शेयरिंग लिखा हुआ दिखेगा, उस शेयरिंग ऑप्शन में जाना है। शेयरिंग में जाने के बाद नीचे की साइड आएगा एडवांस शेयरिंग। एडवांस शेयरिंग में जाना है, उसमें शेयर द फोल्डर पर राइट क्लिक करना है। फिर आप नीचे आएंगे तो उसमें परमिशन लिखा हुआ है, उसमें जाना है। फिर वहाँ पर या फुल कंट्रोल पे सब जगह राइट क्लिक करना है, फिर अप्लाई करके ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद फिर से हमें अप्लाई करना है और फिर से ओके दबाना है। तो ये फोल्डर का सेटिंग हो गया। अभी हम स्कैन को क्रिएट शॉर्टकट कर देंगे डेस्कटॉप पे, ताकि आपको बार बार सी ड्राइव में जाना ना पड़े। ये फोल्डर बाहर आ गया डेस्कटॉप पे। अभी हम मशीन के ऊपर जाएंगे और मशीन में आपको दिखाता हूँ। एडिशनल फंक्शन दबाना है। एडिशनल फंक्शन के बाद एड्रेस बुक सेटिंग में जाना है। एड्रेस बुक सेटिंग में जाने के बाद रजिस्टर एड्रेस करना है। रजिस्टर एड्रेस में रजिस्टर न्यू एड्रेस करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे फाइल लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे FTP लिखा है, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ विंडो SMB में क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज करना है। फिर हमारे ये वर्क ग्रुप लिखा हुआ आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके डाउन करना है। फिर हमारा PC का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके फिर से डाउन करना है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेंगे, तो यूज़र नेम और पासवर्ड कौन सा डालें वो आप मुझको बताता हूँ। यूज़र नेम जो हमारा PC रहता है उसका, जो हम लॉग इन करते हैं वो नाम जो आता है वही डालना है। तो आप उसको स्लिप या लॉग ऑफ करके फिर से ऑन करके देख ले जो नाम लिखा हुआ है। ये देखो मेरे PC में PC लिखा हुआ है, तो वो सेम टू सेम नाम उधर डालना है। फिर पासवर्ड का क्या है, पासवर्ड आपने रखा है तो जो पासवर्ड आपने डाला है वही डालना है। अगर पासवर्ड नहीं रखा है तो कुछ नहीं डालना है, लेकिन अंदर सेटिंग में पासवर्ड आपको ऑफ करना पड़ेगा। वो कहाँ से करना है वो मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। ये PC का नाम डाल दिया। अभी पासवर्ड ऑफ कहाँ से करना है, आपको सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग में जाना है। नेटवर्क सेटिंग, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हम यहाँ पे एडवांस शेयरिंग सेंटर लिखा हुआ रहेगा, उसमें जाना है। ये देखो नीचे लिखा हुआ एडवांस नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। फिर हमें जाना है चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर सेटिंग। इसमें ये सब सेटिंग है उसको टर्न ऑन रखना है। ऑलरेडी होगा ही, लेकिन अगर कोई ऑफ है तो उसको ऑन कर देना है। और एकदम नीचे की साइड पासवर्ड का है, जो टर्न ऑन हो तो आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ करके कर सकते हैं। अगर पासवर्ड आपने डाला हुआ है तो वो सेम पासवर्ड डाल दें, अगर नहीं डाला है तो इसको ऑफ कर दें। फिर सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे हम बाहर आ जाएंगे। अभी हम जाएंगे मशीन के ऊपर फिर से। ये हो गया, ओके दबा दिया।
यहाँ देखो हमने जो फोल्डर बनाया था स्कैन करके वो लिखा हुआ आ गया, तो उसके ऊपर क्लिक करना है और ओके दबाना है। ओके दबाया, हमारा ये रजिस्टर हो गया एड्रेस बुक। फिर ओके दबा देना है और बाहर आ जाना है। डन कर देना है। अभी हम ऊपर की साइड जहाँ सेंड लिखा हुआ है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे एड्रेस बुक लिखा हुआ आएगा साइड में, वहाँ पे जाना है और ये एड्रेस बुक हमारा सिलेक्ट करना है। वो सब सेटिंग एक ही बार करना था, बार बार नहीं करना है, इसलिए एक ही बार करना है, बाकी ओके कर देना है। सिलेक्ट हो गया। अभी हमें ऊपर एडीएफ के ऊपर पेज रखना है। आप चाहे जितने पेज रख सकते हो, एक दो या आपको 100-200 जितना चाहे, एडीएफ के ऊपर भी रख सकते हो, ग्लास में भी रख सकते हो। जो फाइल फॉर्मेट करना है वो भी आप कर सकते हो, पीडीएफ रखना है, जो भी आपको रखना है वो सब सेटिंग कर सकते हो। इसमें टू साइड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, टू साइड करना है तो टू साइड भी कर सकते हो, वन साइड भी, डीपीआई आपको बढ़ाना है तो डीपीआई भी बढ़ा सकते हो। आपको नेम चेंज करना है तो नेम भी चेंज कर सकते हो। आपको नाम रखना है कोई डॉक्यूमेंट का तो आप नाम रख सकते हो, इसलिए सेंड सेटिंग में जाके फिर नाम आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्कैन करके नाम लिख देता हूँ। तो स्कैन हटा के डॉक्यूमेंट वन लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, सब जगह स्कैन स्कैन है, इसलिए डॉक्यूमेंट वन। फिर ओके कर देना है, फिर डन करना है। सब सेटिंग हो गया। अभी हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपका काम का हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी कर दें। अभी ये स्कैन हो गया है तो यहाँ से सेंड होगा पीसी के ऊपर। आप जितने चाहे उतने पेज रख सकते हो। अभी हम पीसी पे जाके देखते हैं वो पेज आया कि नहीं। अभी हम स्कैन वाला फोल्डर ओपन करेंगे। ये देखो डॉक्यूमेंट आ गया है, नाम भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट जो हमने स्कैन किया था वो इधर आ गया। तो एकदम आसान है, आप भी कर सकते हो, एक साथ स्कैनिंग कर सकते हो, जितना चाहे आप स्कैन कर सकते हो। प्रिंटर में जो कि एक एक स्कैन करना पड़ता है, टाइम भी बहुत लेता है, तो उसकी जगह आप ये सेंड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। उसमें सेटिंग भी दी हुई है, सब सेटिंग है जो कि आप देख सकते हो, बहुत सारी सेटिंग है, आप खुद सेट कर सकते हो। ये ग्लास में भी आप रख के स्कैन कर सकते हो। पीडीएफ हो गया, डीपीआई भी हो गई, डीपीआई जो आपको रखना है वो रख सकते हैं। या आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। या हम सेंड कर देंगे इधर से। साइज A3 हो गया है तो इसको साइज हम चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो प्रीव्यू आ गया जो हमने अभी स्कैन किया है उसका। यही सेटिंग है जो आप कर सकते हो आसानी से, और प्रिंटर में एक एक करने से ये बेहतर है। डीपीआई बढ़ा दिया आपने, अभी हम साइज भी चेंज करेंगे। साइज कैसे चेंज करें तो ये स्टार्ट दबाने के बाद डॉक्यूमेंट साइज लिखा हुआ है उधर हमें A4 कर देना है, फिर डन करना है। अभी हम डन करेंगे तो आप एक पेज पीसी में आ जाएगा। ये देखो पीसी में डॉक्यूमेंट में देखते हैं,
यह आ गया डॉक्यूमेंट जो हमने स्कैन किया। चलिए फिर, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।